जहाँ तक भावी उम्मीदवार की बात है, वो तो हमारी प्रदेश के आला कमान माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि किसे वल्लभ नगर सीट से टिकट दिया जाए। और स्वर्गीय शक्तावत साहब के काफ़ी सपने थे वल्लभ नगर तहसील के विकास को लेकर, उसमें सर्वप्रथम था शिक्षा। उन्होंने 2018 के चुनाव में भी कॉलेज का मुद्दा रखा था और उनके डेथ के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सपने को पूरा करते हुए शक्तावत साहब के नाम से भिंडर में कन्या महाविद्यालय खुलवाया है। तो मेरा यही है कि जो महाविद्यालय जो खुलेगा उसे सरकार भिंडर में ही उसके लिए भूमि चयनित करें। और बालिका शिक्षा पे हमेशा शक्तावत साहब जोर देते थे, बालिका शिक्षा को काफ़ी स्कूल जो थे पिछले जो विधायक महोदय के समय में बंद हो गए थे, तो मेरा ये रहेगा कि वो उन स्कूलों को वापस खुलाया जाए, क्योंकि गाँवों में अगर शिक्षा का विकास नहीं होगा तो आगे जो बहुत दिक्कत आती, लोग जो हम लोग योजनाएं बनाती है सरकार, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग उसे समझ भी नहीं पाते हैं और उसे क्रियान्वित भी नहीं कर पाते, उन तक ये योजनाएँ नहीं पहुँच पाती है। पहला मुद्दा हमेशा शिक्षा का ही रहेगा। दूसरा मुद्दा है कि हमारे यहाँ पानी की भी बहुत समस्या रहती है, जब भी गर्मी आती लोगों के यहाँ कीचड़ आ रहा है नलों में, पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। तो ये रहेगा कि घर घर नल पाइपलाइनें लग जाएं वल्लभ नगर तहसील में। और सब शक्तावत साहब के जो सपने थे, वल्लभ नगर में पंचायत आ गई है, साथ ही जो कॉलेज का हो गया, ये मुख्यमंत्री जी जितने भी उनकी डिज़ायर्स लिखी हुई थी उन्होंने भटेवर से लेकर जो बांसी रोड है उसे भी पूरा करवाया है। कोशिश यही रहती कि उनके द्वारा लिखी गई जो भी डिज़ायर्स है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाऊँ और उसे पूरा जल्दी पूरा करवाऊँ। काफ़ी जगह हैंडपम्प्स वगैरह ख़राब है 18 पंचायतों में, तो वहाँ मैंने दौरा किया था, तो वहाँ पे भी हैंडपम्प मिस्त्री आ गए हैं, ठीक हो रहे हैं। वली नेला की पुलिया ख़राब थी, गांव वालों को बारिश में आने जाने में दिक्कत रहती थी, तो वहाँ के पंचायत के लोगों वीडियो साहब इन सब ने बहुत कोऑपरेट करा, उस पुलिया का निर्माण भी चालू हो गया है। इसी प्रकार मेरी कोशिश रहेगी मैं जहाँ जाऊँ जिस गाँव में जाऊँ वहाँ पे हाथों हाथ उनकी समस्या का समाधान करती जाऊँ। मैम आप जो कि अगर आप भावी उम्मीदवार चुनी जाती हैं तो आप सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अपना किसको मानती हैं वल्लभ नगर क्षेत्र में? कॉम्पिटिटर तो वल्लभ नगर क्षेत्र की जहाँ तक बात है, अभी कांग्रेस की सरकार है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस का ही विधायक बनेगा। कोरोना को लेके मैं बार बार जनता से विनती कर रही हूँ कि वैक्सीन्स टाइम पे लगवाएं, गांव में लोग अवगत नहीं हैं। काफ़ी वैक्सीन्स हमारे पास हर पीएससी सीएससी में हज़ार हज़ार वैक्सीन्स पड़े हुए हैं, पर लोगों को इसका अनुमान नहीं है और जाके लगवा नहीं रहे, डर रहे हैं कि कुछ हो जाएगा। इससे कुछ नहीं होता है, मैंने भी अपनी वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं। कृपया आप लोग भी गाँव में जाके अपने जो स्वास्थ्य निकटतम स्वास्थ्य सेंटर है वहाँ जाके लगवाएं, अपने हाथ बराबर धोए, बच्चों को भी समझाएं कि मास्क का उपयोग पूरा करें। अभी बीच में हमने शक्तावत साहब की जयंती पे जितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको हम लोगों ने ऑक्सीमीटर्स मास्क और शील्ड दिए थे, क्योंकि ये महिला कार्यकर्ताएँ जहाँ भी जाती हैं डोर टू डोर, इनकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी। नमस्ते।